यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ चीनम शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में आपका स्वागत है। चलिए राशिफल की बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। बिजनेस और नौकरी में तारीफ आज आपको मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, उन्नति आपको आज मिल सकती है और पार्टनर से अपनी भावनाएं शेयर करने में आज बिल्कुल ना हिचकिचाएं। लव प्रपोजल देने का मन है तो जरूर दें और समय आपके लिए आज बहुत अच्छा है। ऑफिस या फील्ड में कोई बड़ा बदलाव करने का मूड भी आज आपका रहेगा। कॉन्फिडेंस और इच्छा शक्ति के दम पर परेशानियों से भी आज आप निपट सकते हैं। ऑफिस में ज्यादा मेहनत का फायदा आज आपको मिल सकता है और खुद के लिए वक्त भी आज आप अपने लिए निकाल लेंगे तो रोमांस के मौके आज आपको काफी ज्यादा मिल सकते हैं। बिजनेस और नौकरी में आपका काम बढ़िया रहेगा, आपके काम की तारीफ होगी। आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पैसों का फायदा भी आज आपको हो सकता है। आपके सोचने के तरीके में भी आज बदलाव हो सकता है तो आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आप कुछ नया भी कर सकते हैं और कुछ अलग करने की कोशिश भी आपकी ओर से की जा सकती है। सामाजिक समारोह में मान सम्मान आज आपको मिलेगा। न्यायालय मामलों में भी आपका पक्ष आज मजबूत हो सकता है तो काफी अच्छा दिन आज का मेष राशि वालों के लिए है। और बिजनेस और नौकरी में तारीफ आज आपको मिल सकती है, पैसा उन्नति मिल सकती है, पार्टनर से अपनी भावनाएं शेयर करने में आज जरा भी आप ना हिचकिचाएं। अगर आप लव प्रपोजल देना चाहते हैं तो वो भी दे दें। चलिए अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, वृष राशि की बात करते हैं। पुराने निवेश से भी आपको फायदा हो सकता है। लव लाइफ में सितारे साथ देंगे। पति पत्नी में रिश्ते गहरे हो सकते हैं। कोई गलत फहमी है तो वो भी दूर हो सकती है। ऑफिस और बिजनेस में मदद आपको मिल सकती है। आपकी अपनी योजना या रणनीति पर आपको भरोसा रखना होगा, इसीलिए आपको सफलता मिलेगी, फायदा भी आपको हो सकता है। नई जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है। काम रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे आपके काम। पैसों के मामले आपके सुलझ सकते हैं। पैसों के मामले में आप भविष्य के लिए भी योजनाएं बना सकते हैं। जो भी काम आपके सामने आए उसमें पूरा करने में उसे पूरी ताकत लगा दें। इसके अच्छे नतीजे भी आपको मिल सकते हैं। फैसले लेने के लिए और योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा है। दोस्तों के साथ आपका बहुत अच्छा वक्त बीतेगा। ऑफिस और फील्ड में जूनियर्स का सहयोग भी आज आपको मिलेगा। अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, मिथुन राशि की बात करते हैं। करियर, पैसे और इज्जत के लिए कोई व्यक्ति बहुत खास हो सकता है। पैसों से जुड़ी परेशानी थोड़े ही वक्त के लिए रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका आपको मिल सकता है। चतुराई से आपके काम पूरे हो सकते हैं। समझदार लोग आपका सम्मान करेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। परिवार के साथ समय आप बिता सकते हैं। आज आपको नौकरी और बिजनेस में किस्मत का साथ मिलेगा। सोचे हुए काम पूरे होने से आपको फायदा मिलेगा और आपका फायदा और ज्यादा बढ़ भी सकता है। सेहत के मामले में दिन ठीक ठाक आपका रहेगा। अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, कर्क राशि की बात करते हैं। आज खर्चा भी ज्यादा हो सकता है आपका, तो कर्क राशि वालों का खर्चा ज्यादा हो सकता है। माता की सेहत को लेकर टेंशन हो सकती है। नियमित चेकअप आपको करवाते रहना चाहिए। उतार चढ़ाव भरा दिन आज का आपका रहेगा और शारीरिक जोखिम न ले, कोई जरूरी फैसला भी न ले। चंद्रमा आज गोचर कुंडली के आठवें भाव में रहेगा, इससे थोड़ा बहुत तनाव आपको रहेगा या फिर किसी से अनबन भी आपकी हो सकती है। प्रेमी या जीवन साथी को आपके विचार पसंद नहीं आएंगे। प्रेमी या जीवन साथी से भी अनबन आपकी हो सकती है। पैसों के मामलों को लेकर भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपको जहां से मदद मिलने की उम्मीद है वहां से भी आपको निराशा मिल सकती है। ऑफिस में मानसिक तनाव होगा। बेकार बातों में आप समय खराब न करें। काम तय समय पर पूरा न होने से भी आप परेशान हो सकते हैं। अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, सिंह राशि की बात करेंगे। आज चंद्रमा गोचर कुंडली के सातवें भाव में होगा। ऑफिस में आप अपने अच्छे व्यवहार से काम निपटा लेंगे। इस राशि के अविवाहित लोगों के लिए दिन अच्छा है। कोई लव प्रपोजल भी आपको मिल सकता है। कामकाज निपटाने का जुनून रहेगा।
पुराने विवाद भी शांति से निपट जाएंगे। आप महत्वपूर्ण लोगों के सामने अपने मन की बात रख सकते हैं। आप समय के साथ चलेंगे, कुछ अच्छे ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें, अपना काम चुपचाप करें तो सफल हो जाएंगे। आपके व्यवहार की तारीफ होगी। और अगली राशि की बात करेंगे, अब कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं। नियमित कामकाज में मन कम लगेगा। सुस्ती, अनिश्चितता या फिर नकारात्मकता के कारण कुछ अच्छे मौके आप गवा सकते हैं, इसलिए आज के दिन आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मानसिक या शारीरिक सुस्ती आपको महसूस हो सकती है, कोई आपको ठगने की कोशिश भी कर सकता है। दुश्मनों से सावधान रहें। सही और गलत फैसले में आपकी उलझनें बढ़ सकती हैं। फालतू कामों में आपका समय खराब हो सकता है। लव लाइफ में किस्मत का साथ कम ही आपको मिल पाएगा। विवाह की बातचीत आपकी टाल दें, प्रेमियों के लिए समय ठीक ठाक ही रहेगा। सेहत में लापरवाही न करें, पेट भी आपका खराब हो सकता है। अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, तुला राशि की बात करेंगे। पार्टनर से कोई सरप्राइज आज आपको मिल सकता है। काम पर ध्यान दें, उन बातों पर ध्यान दें जिनके बारे में आपने पहले से ही बहुत कुछ सोच रखा है। घर से चलने वाले बिजनेस में फायदा आपको हो सकता है। घर मकान में किए गए निवेश से आपको फायदा होगा। पारिवारिक इनकम भी आपकी बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र का कोई एक चलता काम सफलतापूर्वक हो जाएगा। किसी नए काम की योजना भी बन सकती है जिसमें मुनाफा आपको ज्यादा हो सकता है। दूसरों के लिए आपको त्याग करना पड़ सकता है। आपकी मेहनत का पुरस्कार भी आपको आज मिल सकता है। रोजमर्रा के कामों से भी फायदा होने के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम समय पर पूरे हो सकते हैं। पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा और उससे धन लाभ भी होगा। किसी काम को लेकर उत्साह भी आपको आज रहेगा। अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, वृश्चिक राशि की बात करेंगे। सोच समझकर आज आप निवेश करें। कानूनी कामों में कोई बदलाव न करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपकी राशि से चौथी राशि में रहेगा तो आपको हर काम सावधानी से करना चाहिए। रुकावटों और मुसीबतों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रगति में कोई कानूनी, तकनीकी या राजनीतिक अड़चन भी आ सकती है, इससे कामकाज सुस्त रहेगा। पैसों के मामलों में किसी से कोई अनबन या विवाद की स्थिति आपकी आज बन सकती है। कई तरीके की समस्याओं में भी आज आप उलझ सकते हैं। अपने काम से काम रखें और अपने काम से आज आप संतुष्ट भी नहीं होंगे। अपने ही कामों में कुछ न कुछ कमी आज आप निकाल सकते हैं। एसिडिटी आपको हो सकती है, ज्यादातर मसालेदार खाना खाने से बचें। अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, धनु राशि की बात करेंगे। बिजनेस और नौकरी में सफलता के योग बन रहे हैं। मेहनत करें तो धन लाभ भी आपको हो सकता है। आप बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ व्यस्त हो सकते हैं। दिनचर्या में कुछ अच्छा बदलाव हो सकता है। सामने आने वाली कठिन स्थिति से कॉन्फिडेंस के दम पर आप निपट सकते हैं। परिवार की ओर से आपको कोई ना कोई काम दिया जा सकता है। आप थोड़े संवेदनशील आज रहेंगे और खुद के लिए भी समय निकाल लेंगे। आपकी योजनाएं सफल हो जाएगी। योजनाओं पर पूरी मेहनत से काम करेंगे। पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा वक्त देंगे। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। अगली राशि का रुख करेंगे, मकर राशि की बात करते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय थका देने वाला हो सकता है। किसी से कर्जा भी आपको लेना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है। दोस्तों से मदद मिल सकती है। समय की कमी के कारण परेशानी भी हो सकती है। लोगों की अनदेखी से बचें, वरना मुश्किल वक्त में आप अकेले रह जाएंगे। अपनी बात कह पाने में आपको परेशानी भी महसूस हो सकती है। किसी तरह का कंफ्यूजन, उलझन और भागदौड़ जैसी स्थिति भी बनने के योग है। भागदौड़ के कारण आप अपना कार्यक्रम तय नहीं कर पाएंगे। किसी करीबी व्यक्ति से भी आपकी अनबन हो सकती है। कोई पुराना मुद्दा न उठाएं, सेहत का खास ध्यान रखें। बदहजमी हो सकती है, आंखों की समस्या भी बढ़ सकती है। अगली राशि की बात करेंगे, कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं। नौकरी में स्थिति से पहले अच्छी रहेगी। बिजनेस के लिए भी आपका दिन अच्छा रहेगा। करियर में नए मौके मिलने के योग है। आर्थिक स्थिति में बदलाव होने की संभावना है। निवेश के लिए वक्त आपके फेवर में रहेगा। किसी खास व्यक्ति से अपनी बातें शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। मन पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। किसी महत्वपूर्ण मामले पर आपकी राय लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। मनचाहे काम पूरे करने में मेहनत ज्यादा रहेगी, सफलता भी मिलेगी। सोचे हुए काम पूरे भी हो सकते हैं। मीन राशि की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निवेश में सावधानी रखनी होगी। आपका खर्चा भी बढ़ सकता है।
मेहनत भी ज्यादा हो सकती है। जीवन साथी से अनबन के योग बन रहे हैं। फालतू बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें, शांति और ध्यान रखें। किसी की मदद में समय और पैसा खर्चा आपका हो सकता है। कॉन्फिडेंस ज्यादा होने के कारण आपके तेवर भी थोड़े तीखे हो सकते हैं। ध्यान रखें कि आप किसी खास व्यक्ति से ना उलझ जाएं। आपके मन में कुछ सवाल चलते रहेंगे जिनका कोई समाधान आपको शायद ही मिल सकेगा। किसी विवादास्पद बातचीत में भी आप फंस सकते हैं। आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा। दुश्मनों से सावधान रहें। खर्चा आपका ज्यादा हो सकता है। आपकी सेहत थोड़ी नाजुक हो सकती है, तो इसलिए सावधान रहें। तो यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे त्रिलोकपुर मंदिर में हो रही आरती।